नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता। आज शिवरात्रि यानी शिव शक्ति, कल्याणकारी शिव और शक्ति यानी भगवान और भगवती के मिलन विवाह के रोज़ आप सबको चिरायु निरोगी सुखी जीवन की शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं जिस पथ पर हूँ, जिस मार्ग पर हूँ, उस आध्यात्म के मार्ग पर मैं सदा चलती रहूँ। शिव और पार्वती, शैल पुत्री शैलजा का विवाह सबके लिए शुभ हो। और जिस प्रकार शिव केवल एक पत्नी पर अपना प्रेम सागर उढ़ेलते हैं, उसी प्रकार आप सबके जीवन में भी आपका जीवन साथी प्रेम का सागर हो। परंतु शर्त यह है कि क्या आप पार्वती जैसे तप करके शिव को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। कुंवारी लड़कियां सोमवार को व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं। एक सुंदर उपयुक्त जीवन साथी की कामना से। परंतु क्या आप में पार्वती वाले गुण हैं? आज कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि आज अधिक से अधिक औरतें भी वासना के सागर में डूब गई हैं और कई पुरुषों के साथ उपभोग करना चाहती हैं। वो वासना में इतनी अंधी हो गई हैं, वासना के सागर में उस तल तक पहुंच गई हैं जब उनके समक्ष उनकी अपनी ममता भी अंधी हो जाती है। प्रेम का आकाश अनंत है, प्रेम करना सीखें, अपनी गृहस्थी को बचाएं। पार्वती तो अपर्णा कहलाती है, जिसने शिव की प्राप्ति के लिए घोर तप किया और शिव को पाकर कल्प कल्पांतर तक शिव की शक्ति बनी रही। और जब तक ये सृष्टि है तब तक शिव और पार्वती एक रूप रहेंगे। मैं आपको भारत में जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं उनके विषय में सब कुछ बताऊंगी, रोचक कहानियां सुनाऊंगी। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सुंदर कथाएं हैं, कहानियां हैं। कुछ लोग आध्यात्म को नीरस मानते हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया की माया चमक दमक पर ही स्थिर हो गए हैं। ये झूठी माया चमक दमक उन्हें इतना लुभाती है कि वो सत्य की खोज नहीं कर सकते। आध्यात्म हमें आनंद की सबसे ऊंची चोटी शिखर तक पहुंचाता है और हमें ये माया बहुत शुद्र लगती है, गौण लगती है। तो आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकाल मोंकारे परमेश्वरम केदारम हेमवत्पृष्ठे डाकिन्या भीमशंकरम वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुका वने सेतुबंधे तु रामेशम धुष्मेशम तु शिवालये द्वादशैतानी नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्व पापैर् विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धि फलं लभेत्। शिव एवं पार्वती का विवाह जम्मू में शुद्ध महादेव चनैनी में हुआ था। वहां एक त्रिशूल है जो आदिकाल से है और जिसका भूमि के अंदर कोई अंत नहीं। बहुत से वैज्ञानिकों ने उस
त्रिशूल की गहराई जानने की कोशिश की, चेष्टा की, परंतु वो धरती के किस स्तर से शुरू हुआ किसी को नहीं मालूम। उस भगवान शिव और भगवती पार्वती का हम स्मरण करते हैं जो मोक्ष के दाता हैं। ये प्राकृत जगत शिव है और प्रकृति शक्ति है। प्राकृत जगत और प्रकृति के समावेश का दिवस ही शिवरात्रि है। शिव देवों के देव महादेव, काल रूपी रोग की महा औषध हैं। शिव का स्मरण करें और जीवन मुक्त हो जाएं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी प्रस्तुति से आनंद आता होगा। आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद।